पर्पस जो है, गॉड्स पर्पस क्या है इसको बनाने का, खुदा का प्लान क्या है, क्यों खुदा ने इंसान को बनाया और क्यों खुदा ने इसको तख्लीक किया, खुदा ने इंसान को व्हाई गॉड हैज प्लान, व्हाई गॉड हैज मेड मैन, ये आज डीप स्टडी हम करेंगे इसको। नंबर दिस विल बी द लास्ट टॉपिक ऑन दिस बुक, ठीक है। God has a reason for everything. खुदा हर चीज को जो है ना किसी न किसी मकसद के लिए बनाता है, और He moves with definite purpose. और खुदा का ये प्लान है, खुदा का ये मंसूबा है कि खुदा इस काम को बड़े ही खूबसूरत अंदाज से करे, ठीक है। तो खुदा ने बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ, प्लानिंग के साथ खुदा ने इस काम को सर अंजाम दिया। तो हमें इन छोटे जो है हवालों के अंदर से हम देखते हैं कि खुदा का मकसद क्या है। मैं चाहूंगा कि ये हवाले जो है ना, भाई भाई मजहर, सिस्टर सुजैना, और इसी तरह भाई डैनियल, अगर आप पढ़ सकते हैं यशायाह की किताब 46:11 और रोमियो 8:28 का हवाला जो है भाई, इजाज़ अगर ऑनलाइन है तो ये पहला हवाला भाई मजहर पढ़ेंगे, दूसरा सिस्टर सुजैना, तीसरा जो है भाई डैनियल, और चौथा हवाला भाई इजाज़ अगर ऑनलाइन है तो प्लीज। सारी दुनिया की बाबत यही है और सब कौमों पर यही हाथ बढ़ाया गया है, क्योंकि रब्बुल अफवाज ने इरादा किया है, कौन उसे बातिल करेगा? और उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोकेगा? कौन आमीन। रोकेगा? सो गॉड हैज अ पर्पस दैट इन्वॉल्व्स द होल अर्थ, पूरी दुनिया एंड ऑल द नेशन ऑन इट। खुदा का एक प्लान, खुदा का एक मंसूबा जो है हमें नजर आता है, तो पूरी दुनिया के लिए, पूरे इंसानों के लिए। और दूसरा हवाला हम देखेंगे यशाया 14 बाब उसकी 24 से 27 का हवाला है, बाब 14 ही है और उसकी 24 से 27 भी तक, 24 और 27 दो दो हवाले, दो आयात। जी ठीक है पास साहब। रबुल अफवाज कसम खा कर फरमाता है कि यकीनन जैसा मैंने चाहा वैसा ही हो जाएगा, और जैसा मैंने इरादा किया है वैसा ही वकू में आएगा। मैं ऐसे अपने में ही आएगा। मुल्क में मैं अपने ही मुल्क में असुरी को शिकस्त दूंगा और अपने पहाड़ों पर उसे पांव तले लताड़ूंगा। तब उसका जुआ उन पर से उतरेगा और उसका बोझ उनके कंधों पर से टलेगा। सारी दुनिया की बाबत यही है और सब कौमों पर यही हाथ बढ़ाया गया है, क्योंकि रबुल अफाज ने इरादा किया है, कौन उसे बातिल करेगा, और उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोकेगा। आमीन। Hallelujah. So God has decided something. So no one can stop him. खुदा का एक मंसूबा है, खुदा का एक पर्पस है, खुदा का एक प्लान है, उसे कोई भी ना तो खत्म कर सकता है। और इंसान को बनाने का एक उसका मंसूबा है। हम देखते हैं कि खुदा के पर्पस के ताल्लुक से, खुदा के इरादे के ताल्लुक से हमें चार बड़ी खूबसूरत बातें यहाँ मिलती हैं कि एक नंबर वन, गॉड हैज अ पर्पस, खुदा का एक प्लान है, पूरी दुनिया को बनाने का एक प्लान है, इन कौमों को बनाने का प्लान है, इंसानों को बनाने का प्लान है। खुदा ने चाइनीज को क्यों बनाया, एशियंस को क्यों बनाया, अमेरिकन्स को क्यों बनाया, इसी तरह कॉस्कोशियंस जो हैं ब्लॉन्ड लोगों को क्यों बनाया, और ये सारी जो कौमें हैं खुदा ने खुद बनाई, खुदा ने इनको तैयार किया, और खुदा ने, खुदा का पर्पस है। और इसी तरह हम देखते हैं कि खुदा का एक प्लान है जिसको कोई भी दुनिया का इंसान या इस कायनात का कोई शख्स जो है उसकी डिसीजन को खत्म नहीं कर सकता। यशाया 46:11 के अंदर हम देखते हैं, गौरव वाला हमारे सामने मिलता है, तो हम पढ़ेंगे, कोई भी शख्स इसको पढ़ने में सिस्टर मेरा अगर है तो वो प्लीज आप करें। जो मशरक से उकाब को, यानी उस शख्स को जो मेरे इरादा को पूरा करेगा, दूर के मुल्क से बुलाता हूँ, सो गॉड विल मैं फॉलो ही थ्रू ने एंड ये कहा। अकम्पलिश हिज और पर्पस। खुदा जो है वो पर्पस को पूरा करता है, और लास्ट जो है हम देखते हैं, गॉड हैज इनवाइटेड अस टू फुलफिल हिज पर्पस। और हमने, आपको पता है, किताब पढ़ी थी पूरी,
खुदा की मर्जी और उसके प्लान को हम किस तरह जान सकते हैं, नोइंग गॉड्स विल। ये मैंने आपको पूरा कोर्स एक पढ़ाया था कि किस तरह से हम खुदा की मर्जी को जान सकते हैं। तो इसके अंदर भी हमने देखा कि God has invited us, खुदा ने हमें बुलाया है ताकि हम उसके इरादे को, उसके पर्पस को अपनी जिंदगी में और लोगों की जिंदगियों में पूरा होता देखें। अगर हम खिदमत का काम नहीं करते या बाइबल मुकदस के साथ जुड़ते नहीं है या हम कलाम को फैलाने और बादशाहत के कलाम को फैलाने के लिए मनसूबा आरई नहीं करते, तो फिर खुदा का जो हमें इन्विटेशन देने का जो मकसद है वो ख़त्म हो जाता है। तो फिर हम देखते हैं कि गॉड्स पर्पस वाज फिक्स्ड, खुदा का प्लान जो है फिक्स्ड है बिफोर क्रिएशन। तो खुदा का प्लान जो है वो पहले से ही मुकर्रर है, इज सेंटर्ड इन क्राइस्ट एंड इज नॉट बियॉन्ड द मीनिंग, बियॉन्ड द मीन्स ऑफ हिज ग्रेस। तो खुदा का जो मनसूबा है वो पहले से तयशुदा है, प्लान है और इसको कोई हिला नहीं सकता और पहले से फिक्स्ड है। क्यों ही खुदा ने इंसान को बनाया, कई दफा हम सोचते हैं कि खुदा ने इंसान को क्यों बनाया और क्यों खुदा ने देखा कि वो गुनाह कर रहा है, क्या खुदा को पता नहीं था। तो ये सारी चीज़ें हमारे जहन में सवाल उठते हैं कि यार ऐसा क्यों हुआ जबकि खुदा को ये पता था कि इंसान ने गुनाह करना है। और इसी तरह हमने देखा कि बहुत सारे हमारे जहन में ये सवाल उठते हैं। बट नाउ वन थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्लियर, God purpose was fixed before creation. ये सब कुछ बनाने से पहले ही खुदा ने हर चीज का मंसूबा तैयार कर लिया था। और इसका हवाला हमें दूसरा तिमोथियुस पहला बाब उसकी 9वीं आयत में मिलता है कि खुदा ने हर चीज को पहले से ही फिक्स किया था, इससे पहले कि चांद, सितारे, जमीन, हैवानात, हशरात, नबातात, ये सारी चीजें तख्लीक में आती। God has made a plan for everything. इंसान के लिए खुदा का मंसूबा पहले से तैयार था। खुदा ही ने इन्हें बागे अदन के अंदर हम देखते हैं दो दरख्त लगाए, एक जिंदगी का दरख्त, एक जो है वो मौत का दरख्त लगाया। और इसके अंदर हम देखते हैं ये सारे प्लान खुदा के पहले से ही प्री डिटरमाइंड है, प्री प्लान्ड है, फिक्स्ड है और ये बिफोर क्रिएशन खुदा ने सारा कुछ किया। ठीक है, तो इफ़सियों पहला बाब 9वीं आयत के अंदर हम देखते हैं आवर डेस्टिनी हैज बीन प्रीप्लान्ड। और इवन कि हम देखते हैं कि खुदा ने हमारी डेस्टिनी जो है, हमारा मुकद्दर जो है, या हमारा हमारा जो है हमने कहाँ जाना है एट द एंड ऑफ दिस डे, हम हर चीज को खुदा ने प्लान किया कि इंसान मौत के बाद जो है वो कहाँ जाएगा, ये भी प्री प्लान्ड है और खुदा के मंसूबे के अंदर ये चीजें शामिल है। अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस आवर लाइव्स आर प्री प्लान्ड टू फिल इट। तो ये हमें नजर आता है कि पहला बाब उसकी 9वीं आयत के अंदर खुदा के कलाम के मुताबिक हम देखते हैं कि एवरीथिंग इज प्लान्ड। तो इफ़सियों 30 तीसरा बाब उसकी 9 से 11वीं आयत तक हम हवाला में मिलते हैं और वहां हमें नजर आते हैं कि गॉड्स इटर्नल पर्पस इज सेंटर्ड इन अ चर्च। कलीसिया के अंदर खुदा के इटर्नल प्लान को और जो है वो पर्पस हम देखते हैं कि खुदा ने उसको सम अप किया कि किस तरह से खुदा का मंसूबा इंसानों की जिंदगियों में पूरा हो सकता है और हम किस तरह से उसको पूरा होता देख सकते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ गॉड्स पर्पसेस प्रोसेस फ्रॉम हिज पर्सन। खुदा ने हर चीज को इंसान के लिए तख्लीक किया, बनाया, ये चरिंद परिंद हैवानात हशरात सारी चीजें खुदा ने इंसान के लिए तख्लीक की ताकि इंसान जो है वो खुदा से मोहब्बत करना शुरू करे। So what does is always consistent with him, who he is. तो हमें एक ही ख्वाहिश होनी चाहिए कि हम खुदा की ज़ात को, खुदा के जलाल को उसको देखना शुरू करें, उसको जानना शुरू करें। And the kind of person he is dictates the kind of things he does. जो कुछ खुदा खुदा के कलाम के अंदर खुदा की सिफात मौजूद है, इंसान खुदा से सिर्फ जो खुदा इंसान से सिर्फ यही तवक्कु रखता है कि इंसान जो है वो खुदा के साथ एक ऐसे रिश्ते के अंदर रहे कि इंसान हर वक्त खुदा को तलाश करे, खुदा की सिफात को जानना शुरू करे, खुदा के कामों को, कैसे खुदा काम करता है, कैसे खुदा बोलता है, कैसे खुदा जो है हमारे जहनों में, ख्यालों में अपने प्लान और अपने पर्पस को
रखता है ताकि हम उसके इरादे को जिंदगी के अंदर और इस दुनिया में पूरा होता है देख सकते हैं। तो आप देखते हैं कि of all the description of God in the Bible, perhaps the most all-inclusive one of the title Father, और हमें खुदा का एक टाइटल जो है एक जो है टाइटल वो फादर भी मिलता है, बाप भी मिलता है। तो हम खुदा को अपना बाप कहते हैं, जो कि आम तौर पर लोग जो है वो नहीं कहते, बल्कि हम खुदा को अपना बाप कहते हैं। दुनिया की कौमें जो है वो खुदा को कुछ भी कह सकती हैं, जिसमें वो खुदा बोलते हैं या फिर अल्लाह बोलते हैं या यहोवा बोलते हैं। खुदा जो बाइबल का खुदा है, कलाम मुकद्दस के अंदर क्रिश्चियंस का खुदा है, उसके लिए जो खुदा ने अपने आप को जो टाइटल दिया है वो है फादर, बाप जो है। गॉड्स फादर हार्ट कंपेल्स हिम टू हैव अ फैमिली दैट वी कैन बी टू फादर टू। तो हिज पर्पस आर इजीली इलस्ट्रेटेड, हमें बाइबल के अंदर उसके जो है वो पर्पसेस नजर आते हैं। अगर हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो हमें नजर आता है। The only way that man will be able to find fulfillment in life is to discover the reasons why he has created and fulfilled them. तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें इस बात का पता होना चाहिए कि क्यों खुदा ने हमें बनाया है, क्यों खुदा ने हमें पैदा किया है, क्यों इंसान को खुदा ने बनाया है, और उसका पर्पस क्या है, वो क्या चाहते हैं हमारी जिंदगी से, हमारे हमारे हमारी लाइफ से वो क्या चाहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि द बाइबल रिवील्स, खुदा का कलाम रिवील करता है गॉड पर्पस फॉर मैन व्हिच इज समराइज्ड हियर एज बीइंग फोरफोल्ड। चार रुखा प्लान हम स्टडी करेंगे और उसमें हम देखेंगे सबसे पहले रिलेशनशिप। खुदा चाहता है कि इंसान के साथ एक रिश्ता इस्तवार करे, जैसे बाप और बेटे का रिश्ता है। खुदा ये चाहता है कि एक खुदा इंसान से सिर्फ ये चाहता है कि इंसान उसको अपना बाप तसव्वुर करे और बाप जो है वो इंसान से प्यार करे। नंबर टू जो है वो एक और अहम चीज हमें नजर आती है कि खुदा जो है वो चाहता है कि इंसान उसके करेक्टर को अंडरस्टैंड करे कि वो कैसा है। वो भला खुदा है, वो कहर और उदा होता है, वो मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है, वो रहम करने वाला खुदा है, वो कंपैशनेट है, वो प्यार करता है, और कई दफ़ा वो नफरत भी करता है, कई दफ़ा वो जो है वो गुस्से में भी आता है। और इसी तरह हम उसके फंक्शंस को स्टडी करें कि किस तरह से खुदा काम करता है। नंबर चार, खुदा ये चाहता है कि हम रिप्रोड्यूस करें अपने आप को, अपने जो अपने अंदर जो खुदा ने हमें एबिलिटीज दी है उनको हम रिप्रोड्यूस करें। नंबर वन हम देखते हैं रिलेशनशिप, व्हाई खुदा हमारे से रिलेशनशिप चाहता है। द फर्स्ट रीजन गॉड क्रिएटेड मैन वाज द पर्पस ऑफ रिलेशनशिप। आप देखते हैं जब खुदा ने इंसान को बनाया तो खुदा ने उसको अपना रफीक बोला, उसको अपना दोस्त कहा। बागी अदन के अंदर हम इसके हवाले को देख सकते हैं कि खुदा ने इंसान को अपना रफीक कहा, अपना दोस्त कहा। और ये एक बड़ी खूबसूरत बात हमें नजर आती है कि खुदा जो है एक नए अहद को इंसान के साथ बांधता है। ठीक है, तो ये जो नया अहद है ये इंसान के साथ बांधा गया और उसको रफीक कहा गया, दोस्त कहा गया। एक रिलेशनशिप के अंदर खुदा ये चाहता है कि हम एक नए रिलेशनशिप के अंदर आए, हम उसको समझें, उसको अंडरस्टैंड करें। नंबर टू, हम द सेकंड रीजन व्हाई गॉड क्रिएटेड मैन वाज टू रिप्रोड्यूस हिज नेचर एंड करेक्टर, ताकि हम खुदा की सिफात को, खुदा की नेचर को हम लोगों के अंदर बयान कर सकें, बता सकें। गॉड फादर वांटेड हिज चिल्ड्रन, खुदा सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है कि हम उसकी जो नेचर है, उसकी जो नेचर है उसको अंडरस्टैंड करें और उसको समझना शुरू करें। खुदा ये चाहता है, गॉड द फादर वांटेड हिज चिल्ड्रन टू लुक लाइक हिम ऑन द इनसाइड। खुदा ये चाहता है कि हम उसकी मानंद बने, ताकि हम उसकी तरह जो है इस दुनिया के अंदर और एक फैमिली के तौर पर, जैसे
खुदा ने हमें अपने इमेज और लाइकनेस के ऊपर बनाया, हम एक लाइकनेस के अंदर उसकी लाइकनेस को शो करते हुए उसकी तरह हम जो है वो बिहेव करें, और जो खुदा की सिफात बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद है, कलाम मुकद्दस के अंदर मौजूद है, उसको हम एक्सपीरियंस करके लोगों को उसकी सिफात बता सकें, उसके करेक्टर को बता सकें। तो करेक्टर इज़ वन ऑफ द मेन थॉट इन द वर्ल्ड इमेज। तो अपना इमेज जो है खुदा ने हमें दिया, इमेज मीन्स कि जैसे मैं हूँ वैसे ही मेरा बेटा है, तो लोग मेरे बेटे को कहेंगे कि बिल्कुल अपने बाप का इमेज है इसके ऊपर। तो हम भी जब दुनिया के अंदर काम करें तो लोग हमें कहें कि वाकई ये शख्स जो है इसके अंदर खुदा का इमेज नजर आता है। ठीक है, द ग्रीक वर्ड ट्रांसलेटेड इमेज इन द वर्ड्स इज प्रोनाउंस्ड करैक्टर। तो इमेज का जो ग्रीक वर्ड है उसका जो असल मतलब है इंग्लिश में वो करैक्टर है, हमारा करैक्टर। ठीक है, हमारा जो करदार है वो क्या होना चाहिए इस दुनिया के अंदर, हमारा करदार जो है वो खुदा का करदार होना चाहिए, हमारे अंदर खुदा की सिफात, जैसे खुदा इंसानों से मोहब्बत करता है, जैसे खुदा बदी से नफरत करता है, गुनाह से नफरत करता है, इसी तरह हमारे अंदर भी उसी तरह ही खुदा से मोहब्बत होनी चाहिए, बदी से नफरत होनी चाहिए, गुनाह से और अबलीस से नफरत नजर आनी चाहिए। ठीक है, द सिनफुल सेल्फ सेंटर्ड एलिमेंट इन मैन्स नेचर मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय द होली लविंग एंड सेल्फ केयर। तो हमारे अंदर जब तक खुदा की सिफात शामिल नहीं होगी जिसके अंदर मुकद्दस तकदीस मोहब्बत से भरी हुई, और इसी तरह हमारे अंदर वो सिफात नहीं होगी जो खुदा की सिफात है, तो हम असल में मसीही नहीं है। तो मसीही होना और मसीही कहलाने में दोनों में बहुत फर्क है। मसीही जो है एक ऐसी शख्सियत है जिसके अंदर खुदा का करैक्टर नजर आना चाहिए। तो इंसान का जो जिस्म है वो खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया, खुदा ने इंसान की बॉडी को बनाया, खुदा ने इंसान की रूह को बनाया, खुदा ने इंसान की जान को पैदा किया। तो ये सारी चीजें खुदा ने इसलिए बनाई ताकि हम खुदा की खूबियां जाहिर करें, हम खुदा के जलाल को जाहिर करें, खुदा की सिफात को जाहिर करें। और जब हमारे अंदर गुनाह आता है तो फिर हमारा करैक्टर जो है वो करप्ट होना शुरू हो जाता है, हमारे अंदर अबलीस का करैक्टर डेवलप होता है, नफरत आती है, गुस्सा आती है आता है, और उसी तरह बदी आती है, शरारत आती है, गुनाह आता है, बदजुबानी आती है, बदख्याली आती है, नापाकी आती है, शहवत परस्ती आती है, और इसी तरह तमाम वो करैक्टर्स नजर आते हैं जो एक और शख्सियत के करैक्टर, और वो शख्सियत है अबलीस। तो जब अबलीस के करैक्टर हमारे अंदर नजर आते हैं तो फिर हम असल में अबलीस को कॉपी करते हैं, और अबलीस कैसे बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अबलीस हमारे अंदर घर कर लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो कंटेनर है, आपको पता है कि उसके अंदर जो है स्पिरिट जो है वो कंटेन करती है, और जब हमारे अंदर जो है वो अनक्लीन स्पिरिट आती है और इसमें हमारी जो स्पिरिट है वो क्लीन नहीं रहती है, उसमें बदी आना शुरू होती है, मक्कारी आती है, खौफ दहशत, ये सारी उसी की करैक्टर्स और सिफात हमें नजर आती है। नाउ नंबर सी, व्हाई गॉड हैज मेड ह्यूमन बीइंग, क्यों खुदा ने इंसान को बनाया। एक और द थर्ड रीजन व्हाई गॉड क्रिएटेड मैन वाज टू हैव समवन शेयर इन हिज फंक्शंस फॉर रूलिंग द यूनिवर्स। कैसे इस दुनिया के अंदर हमें एक बड़े इख्तियार के साथ जिंदगी गुजारना है, हमें खुदा के फंक्शंस को शेयर करना है, समवन शेयर इन हिज फंक्शन। So God the Father wanted his children to be involved in the family business. हम एक family business के अंदर आए, खुदा ये चाहता है कि हम उसके business के अंदर आए, हम भी खुदा की मानत जो खुदा काम कर रहा है हम भी वही काम जो है करना शुरू। ठीक है, So खुदा जैसा है वैसे ही हम भी हों, हमारे अंदर भी उसी का character आए, और खुदा चाहता है कि हम भी उसकी मानत जो है उसके बिजनेस में आ जाए, उसके काम में आ जाए। अच्छा मैं आपको बताता हूँ,
आपको पता है जब खुदा यीशु मसीह ने शागिर्दों को चुना तो वो बिजनेसमैन थे, यू नो व्हाट दे वर डूइंग। पत्रस जो है वो एक बड़ा खूबसूरत बिजनेसमैन था, और उनका बिजनेस क्या था? उनका बिजनेस था वो मछेरे थे और वो मछलियां पकड़ते थे। और जब वो खुदा के बिजनेस में आए तो यीशु ने उनको एक नया बिजनेस दिया। यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें आज से आदमगीर बनाना चाहता हूँ। तो मछली यानी माहीगीर तो वो थे, दैट इज द वर्ल्डली बिजनेस, लेकिन खुदा का बिजनेस जो है वो है मैन्स कैचिंग मैन, फिशिंग मैन। ठीक है, तो फिशिंग नहीं करनी बल्कि आपने कैच करना है लोगों को। सो ये है हमारा फैमिली बिजनेस, क्योंकि हमारा बाप जो है वो इस दुनिया का खालक और मालिक है, और अबलीस ने इस दुनिया को हैक किया है, यू नो हैकर जो है वो हैकर है, और उसने हैक किया। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि खुदा ने अपने लोगों को चुना ताकि वो उन तमाम शरारती स्पिरिट से लोगों को बचा कर दोबारा से दुनिया के अंदर लोगों को लेकर आ सके, खुदा की बादशाहत में लेकर आ सके। सो खुदा ये चाहता है कि हम एक बड़ा खूबसूरत काम ये करें, हम फैमिली बिजनेस करें उसके साथ। और फैमिली मीन्स के जब हम फैमिली बिजनेस में आएंगे, इट मीन्स कि हम आदमगीर बने, लोगों को पकड़े ताकि लोग जो है ये खुदा की बादशाहत में आए। तो खुदा जो हमसे ये चाहता है, खुदा ने इंसानों को बनाया भी इसलिए। सो ही नॉट ओनली प्रपोज्ड दैट मैन बी समथिंग, यानी ना सिर्फ वो चाहता है कि हम उसका करैक्टर जाहिर करें, बल्कि खुदा ये भी चाहता है, ही वॉन्ट्स कि हम उसके फंक्शन भी करें, यानी हम उसका जैसे वो फंक्शन कर रहा है हम भी वो ही फंक्शन। जैसे आपने देखा कि हमारी बॉडी जो है वो फंक्शन करती है, हमारा दिल पंप करता है, हमारे गुर्दे फिल्टर करते हैं, इसी तरह हमारा जो है लिवर वो भी ब्लड फंक्शन कर रहा है। तो ऐसे ही हमारा फैमिली बिजनेस जो है वो भी फंक्शन कर रहा है। तो खुदा ये चाहता है कि हम भी उसी की तरह ही फंक्शन करना शुरू करें, और हम भी लोगों को खुदा की बादशाहत में लेकर आए। ना सिर्फ खुदा ये चाहता है कि हम उसकी खूबियां जाहिर करें, बल्कि हम उसके काम भी करें, ठीक है, उसके फंक्शन भी करें। सो गॉड वांटेड मैन टू शेयर इन हिज डोमिनियन, खुदा चाहता है कि हम उसकी डोमिनियन के अंदर लोगों को लेकर आ सके, उसके दायरे के अंदर लोगों को लेकर आ सके। टू दिस सो खुदा ने ये बड़ा खूबसूरत प्लान हमें दिया। तो ये है जी मेन जो है वो खुदा की फंक्शन। सो एट दिस टाइम एट दैट टाइम द ओनली एनिमी देयर वाज द टू कंट्रोल वाज सेटल, अबलीस की बादशाहत से लोगों को निकाल कर हमें खुदा की बादशाहत में लोगों को लेकर आना है। जो लोग गुमशुदा हैं उनको उनकी सही सिमत बतानी है। सो मैन लॉस्ट हिज डोमिनियन, खुदा ने जो है एक ही काम हमें दिया है, क्योंकि इंसान जो है वो अपनी डोमेन को भूल चुका है, अपनी डोमिनियन को भूल चुका है। तो इंसान को अबलीस की कैद से आजाद करना है, गुनाह की कैद से, बीमारी की कैद से, मौत की कैद से इंसान को निकाल कर हमें दोबारा से खुदा के रास्ते पर लेकर आना है। यही हमारा मेन मकसद है, यही हमारा फंक्शन है, यही हमारा करेक्टर है, यही हमारा मकसद है, ठीक है। नाउ ओनली थ्रू क्राइस्ट हम खुदा यीशु मसीह के वसीले से हम ये काम खूबसूरती के साथ कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और लास्ट जो है वो डी है, रिप्रोडक्शन। हमें नए सिरे से पैदा होने के बाद, जैसे कि एक जब बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे के अंदर खुदा ने एक रिप्रोडक्शन का एलिमेंट रखा होता है, ताकि ये अपने जैसे और इंसानों को प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। एक माँ बच्चे को पैदा करती है, और जब वो लड़की बड़ी हो जाती है तो वही जब माँ बनती है तो वो भी आगे बच्चों को पैदा करती है। दैट मीन्स के इंसान के अंदर खुदा ने रिप्रोडक्शन का एलिमेंट रखा हुआ है। तो ये फोर्थ रीजन व्हाई गॉड हैज क्रिएटेड मैन वाज टू शेयर सम ऑफ हिज क्रिएटिव पावर, ठीक है। खुदा ने अपनी क्रिएटिव पावर जो है इंसान को दी है। गॉड द फादर वांट हिज चिल्ड्रन टू रिप्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन टू बी इन द फैमिली, खुदा चाहता है कि हम उसकी फैमिली में
और ज्यादा लोगों को और ज्यादा लोग शामिल करते चले जाए। और अगर आपने अभी तक खुदा की फैमिली में इजाफा नहीं किया तो इसका मतलब यह है कि आप पांच हैं, तो पांच इंसान जो है वो खुदा की बादशाहत में एबनॉर्मल शख्सियत होती है। तो खुदा नहीं चाहता कि हम, खुदा ने आपको किसी को भी रूहानी बांझपन नहीं दिया, हम रूहानी बांझ नहीं है। हाँ, अगर आप नहीं करते तो वो एक अलग बात है। दैट मीन्स कि आपको खुदा के लिए जो है वो रिप्रोडक्शन करनी है, यू हैव टू रिप्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन, ठीक है, मोर चिल्ड्रन, ठीक है। तो आपने अपने रूहानी बच्चे पैदा करने हैं, जिस्मानी बच्चे तो आप पैदा कर रहे हैं, कर भी चुके होंगे, बट नाउ गॉड इज टेलिंग यू टू रिप्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन टू बी इन द फैमिली, इन हिज फैमिली, खुदा की बादशाहत के अंदर आपने लोगों को लेकर आना है, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन, सो ही टोल्ड एडम एंड ईव टू बी फ्रूटफुल, जैसे खुदा ने इंसान को जो है मल्टीप्लीकेशन की, रिप्लेनिश द अर्थ की एक ब्लेसिंग खुदा ने दी, और इसी तरह खुदा ने इंसान को जब रूहानी तौर पे वो नए सिरे से पैदा होता है तो खुदा उसको ब्लेस करता है ताकि वो नए सिरे से पैदा होने के बाद रिप्रोड्यूस कर सके। सो आज से आप सोचना शुरू करें, नाउ व्हाट आई एम, वेयर आई एम गोइंग, क्या मैं खुदा के प्लान को अपनी जिंदगी में पूरा कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये फोर फोल्ड पर्पस जो खुदा ने हमें दिए हैं, जो पर्पस इंसान के लिए हैं, इनको अपनी जिंदगी में आपने पूरा होता देखना है। और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई एम गोना रिपीट इट नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई गॉड हैज मेड, गॉड हैज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैन, खुदा का, खुदा ने क्यों इंसान को बनाया, गॉड हैज अ रीजन। खुदा कुछ ना कुछ हर काम जो है वो इंसान रीजन के ऊपर करता है, कोई भी काम विदाउट रीजन नहीं किया जाता, और ये खुदा का मंसूब है। God purpose for man, number one, God has a reason, कोई भी काम जो है वो विदाउट रीजन नहीं होता। खुदा वैसे ही कोई काम नहीं करता, कुछ भी अगर हमारे जिंदगी में होता है तो कोई ना कोई रीजन होती है, कोई ना कोई पर्पज होता है। He moves with the definite purpose, और खुदा ने इंसान को बड़ी खूबसूरत अंदाज से, हमने देखा God has a purpose that involves the whole earth, का मंसूबा है जो कि होल अर्थ के लिए, ऑल नेशंस के लिए। और फिर हमने देखा कि इफ गॉड डिसाइडेड टू डू समथिंग नो वन कैन स्टॉप हिम, खुदा ने कुछ अगर करने की ठान ली है तो उसको कोई दुनिया का इंसान रोक नहीं सकता। सो नो वन कैन स्टॉप हिम, नो वन कैन स्टॉप हिम, गॉड विल फॉलो थ्रू एंड अकम्पलिश हिज पर्पस। खुदा अपने मंसूबे को ना सिर्फ बनाता है बल्कि वो अपने इरादे को पूरा भी कर लेता है, पूरा भी करता है। और ये जरूरी है कि खुदा अपने इरादे को पूरा करे। So God has invited us, खुदा ने हमें इनवाइट किया to fulfill his purpose। इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा कमजोर है तो खुदा ने हमारी मदद ली है कि हम उसके इरादे को इस दुनिया में काम कर लेंगे। नहीं, God is authorized, God is all powerful, खुदा आदर मुतलिक खुदा है और खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है, लेकिन खुदा ने हमें इनवाइट किया है, God has invited us। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक कहानी में खुदा यीशु मसीह ने सिखाया कि एक शख्स ने एक दावत की और उसने बहुत सारी इनविटेशंस भेजी और उनमें से कोई भी शख्स उसकी ज़ियाफ़त पे नहीं आया। फिर उसने अपने नौकर को भेजा, उसने कहा कि जा मोड़ों पे, चौकों में, जहाँ भी जो भी शख्स तुझे मिलता है, चाहे वो किसी भी तरह का है, किसी रंग नस्ल से ताल्लुक रखता है, चाहे उसकी शक्ल कैसी भी है, चाहे उसकी सूरत कैसी भी है, चाहे वो लंगड़ा है, लूला है, जो भी है, आप उसको उठाकर मेरी ज़ियाफ़त में ले आओ। और वो सारे जब उस बादशाह की ज़ियाफ़त में कपड़े बदल कर ज़ियाफ़त के कपड़े पहन कर चले जाते हैं। So God has invited us as a human being। हम देखते हैं कि हमारी जो है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी शर्फ की बात है कि खुदा ने
आज हमें इनवाइट किया है, हमें बुलाया है ताकि हम उसका काम कर सके, उसके इरादे को, उसके पर्पस को इस दुनिया के लिए। और मैं सोचता हूँ कि अगर खुदा ने आपको वाकई बुलाया है खिदमत के लिए, तो आप इस दुनिया के इंतहाई खुशकिस्मत इंसान हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट ने आपको एक लेटर लिखा हो और कहे कि पास्टर उबेद राउफ कम एंड विजिट माई होम और मेरे साथ आपने नाश्ता करना है। तो पास्टर उबेद तो मेरे ख्याल में इस शौक से ही चार दिन वो सोएगा ही नहीं कि मैं एक आम सा इंसान प्रेसिडेंट ट्रंप के पास जाकर नाश्ता करूंगा। तो दैट इज काइंड ऑफ अ थिंग कि अगर आप सोचें कि खुदा ने आपको इनवाइट किया है कि उसके पर्पस उसके प्लान को पूरा करें, तो ये एक बहुत बड़ी खूबसूरत बात। और इसके लिए खुदा ना सिर्फ आपको रिसोर्स दे रहा है, खुदा ने आपको हर चीज़ दे दी है, खुदा ने पैसा दिया है, खुदा ने लोग दिए हैं, खुदा ने बिल्डिंग्स दी हैं, खुदा ने आपको मटीरियल दिया है, उसमें गाड़ियाँ हैं, उसके अंदर लोग हैं, खुदा आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देगा जो आपको इस पर्पस के लिए चाहिए। ठीक है, सो गॉड पर्पस वाज फिक्स्ड, खुदा का पर्पस हमने देखा कि फिक्स्ड है और वो बिल्कुल उस तरह है जैसे कि अटल है वो कभी है। और ये पर्पस जो है वो क्रिएशन से पहले बना दिया गया, ये प्लान है। अब इसको हम किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं, ओनली वर्ड ऑफ गॉड इसको प्रूफ करता है। और इसका दूसरा जो मोथिस पहला मुस्लिमों की आयत में अगर आप इस हवाले को पढ़ ले तो बड़ी खूबसूरत बात होगी, कोई भी शख्स इसको इस हवाले को पढ़ सकता है। दूसरा तिमोथियस उसका पहला बाब उसकी इमामी है का हवाला, ये रेड कर्सर आपको नजर आ रहा है सो यू कैन सी दैट। सेकंड तिमोथी चैप्टर 1:9, जिसने हमें नजात दी और पाक बुलावे से बुलाया हमारे कामों के मुआफिक नहीं बल्कि अपने खास इरादा और उस फजल के मुआफिक जो मसीह यसु में हम पर अजल से हुआ। अजल से हुआ, अजल अजल का क्या मतलब है? यू नो अजल अजल का मतलब है इटर्निटी, यानी जब ये दुनिया बनाई नहीं गई, ये प्लान फिक्स बनाया गया है, खुदा ने अपने इरादे के मुताबिक कॉल किया, मैं बुलाया और ये प्लान जो है ये अजल से बन गया। सो इसी तरह हम देखते हैं कि आवर डेस्टिनी, खुदा ने हमारा ये प्लान जब बनाया तो उसमें खुदा ने उन रूहों का इंतजाम भी किया, प्री डिटरमाइन हर चीज़ खुदा ने उसको जो है वो बनाने से पहले हर चीज़ का प्लान खुदा ने किया और हमारी जो डेस्टिनी है उसको प्री डिटरमाइन किया। खुदा ने कलाम मुकद्दस से उन्होंने बताया कि इंसान जब मर जाएगा तो वो कहाँ जाएगा। ठीक है, और फिर हमने देखा कि खुदा का पर्पस क्या है इंसान को, वाई गॉड है, क्यों खुदा ने इंसान को बनाया। बहुत सारे लोग आज सवाल करते हैं भाई खुदा ने इंसान को बनाया क्यों, क्यों खुदा चाहता है कि इंसान बने, क्यों ये जिंदगी इंसान को खुदा ने दी और इसमें बच्चे दिए, इसमें खुदा ने बरकत दी, वाई। नंबर वन हमने देखा कि खुदा ये चाहता है कि वो हमारे साथ एक रिश्ता इस्तेमाल करें। रिश्ता बड़ा खूबसूरत खुदा ने हमें बाइबल मुकदस के अंदर देखते हैं, तो खुदा ये चाहता है कि वो हमारा बाप बने। सो ही वांट कि वो चाहता है कि वो हमें है एक ऐसी मोहब्बत दे जो बाप की मोहब्बत है। तो खुदा हमें एक रिश्ते में बांधना चाहता है। यू नो कि एक बड़ी खूबसूरत बात है कि खुदा यीशु मसीह ने कलीसिया को एक खूबसूरत रिश्ता दिया, और वो रिश्ता क्या है आपको पता है कि कलीसिया को खुदावन यीशु मसीह की दुल्हन का रुतबा मिला, और ये एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता है। दुल्हन जा, दुल्हन का मकाम क्या होता है, दुल्हन की वैल्यू क्या होती है, दुल्हन की जो है कदर व मंजिलत क्या है, दुल्हन जो है एक बहुत वैल्यू रखने वाली शख्सियत है, घर के अंदर उसकी उसका इख्तियार है, और मर्द के बाद उसकी बीवी ही हर चीज की मुख्तार है। ठीक है, तो मर्द और उसकी बीवी जो है, उसकी औरत जो है, ये दोनों मिलकर घर के ऊपर इख्तियार रखते हैं। सो God has basically created a beautiful relation with us। यीशु मसीह के वसीले से हम
अपने आसमानी खुदा को बाप कह सकते हैं। God has made man, और उसके बाद फिर खुदा ने हमें, खुदा ये चाहता है कि हम उसके साथ एक रिश्ते में रहें और एक बाप का रिलेशन उन्होंने हमें दिया। ठीक है, बी इज करेक्टर, खुदा ये चाहता है कि हम उसकी सिफात को बयान करें जैसा वो है, जैसे खुदा ने हमें इमेज दिया है। God has made us image and likeness, जो है खुदा ने हमें दिया, ये इमेज और लाइकनेस जो है इसीलिए दी है ताकि हम उसका इमेज जो बयान करें। मैंने ये बताया कि द ग्रीक वर्ड ट्रांसलेटेड इमेज इन द वर्स इज प्रोनाउंस्ड करेक्टर, तो करेक्टर उसका कपार, उसकी खूबियां हमारे अंदर जाहिर होनी जरूरी है। ठीक है, तो अगर हमारे अंदर उसकी खूबियां जाहिर नहीं होती तो फिर वी आर नॉट मोर क्रिश्चियन, वी आर नॉट मोर इन द लाइकनेस ऑफ गॉड, इन द इमेज ऑफ गॉड, हम खुदा के इमेज और उसकी लाइकनेस के मुताबिक काम नहीं कर रहे। सो अगर हम वाकई ही उसकी शक्ल व शबी के ऊपर बनाए गए फिर इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर उसका करेक्टर जाहिर होना चाहिए। और फिर हमने सीखा कि ना सिर्फ करेक्टर बल्कि उसके काम भी हमारे अंदर जाहिर होने चाहिए, फंक्शन, जैसा खुदा काम कर रहा है वैसे ही हम भी काम करें। अगर आप सिर्फ उसका करेक्टर ही शो कर रहे हैं और काम नहीं कर रहे, फंक्शंस नहीं कर रहे, तो फिर इसका मतलब यह है कि आप अधूरा काम कर रहे हैं। खुदा ये चाहता है ना सिर्फ हम उसके करेक्टर को शो करें बल्कि बट आल्सो दैट ही डू समथिंग फंक्शन, फंक्शंस भी हम शो करें। सो गॉड वांटेड मैन टू शेयर इन हिज डोमिनियन। ठीक है, खुदा ये चाहता है कि वो हम उसके फैमिली बिजनेस के अंदर आ जाए। टू डू दिस गॉड टोल्ड मैन टू सबड्यू, खुदा ये चाहता है कि हम उसके आगे सरेंडर कर दें हमारे, हमारा सेल्फ, हमारी स्पिरिट, हमारी जान, हम उसको सरेंडर कर और हम कहें खुदावंद जो कुछ भी हमारी जिंदगी में हो रहा है ये सब कुछ हम तेरे आगे रखते हैं, तेरे तख्त के आगे रखते हैं। सो हम सब ड्यू करें, हम खुदा के आगे रखें, विच मीन्स हम जब सब ड्यू करेंगे, हम सरेंडर करेंगे, तो हम अपने इस पर गालिब आना शुरू कर देंगे। नंबर चार, हमने सीखा कि हम रिप्रोड्यूस करें, हम नशोनुमा करें, हम अपने रूहानी बच्चों को पैदा करें, रिप्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन टू बी इन द फैमिली ऑफ गॉड, खुदा की बादशाहत में लोगों को शामिल कर सके। सो ही टोल्ड एडम एंड ईव, जैसे मैंने बताया कि खुदा ने मल्टीप्लाई करने की, रिप्लेनिश करने की बरकत दी, तो इसी तरह खुदा चाहता है कि हम जब नए सिरे से पैदा होते हैं रिप्रोड्यूस करने का अमल जो है हमारे अंदर वो रहे, जब नहीं रहेगा तो फिर इसका मतलब यह है कि हम खुदा के लिए फ्रूटफुल नहीं है। चाहे आप PTH कर लें, चाहे आप कोई भी काम कर लें, अगर आप खुदा के लिए फ्रूटफुल नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, तो फिर इसका मतलब यह है कि आप खुदा का काम नहीं कर रहे। So this is the end of this lecture. Now, if you have any question, you can share to me.